कार्तिक आर्यन ने खुलासा किया कि वह शहजादा के उचित निर्माता नहीं थे, लेकिन उन्हें श्रेय मिला क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन में वित्तीय मदद की थी। अभिनेता कार्तिक आर्यन को अल्लू अर्जुन की हिट तेलुगु फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलु की रीमेक शहजादा के निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा त्याग दिया था कि यह दिन की रोशनी को देख सके। यह फिल्म इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। हाल ही में अभिनेता ने खुलासा किया कि वह फिल्म के उचित निर्माता नहीं थे और वास्तविक निर्माताओं की दयालुता के कारण उन्हें एक निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया, और क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि यह पैसे के कारण रुकी नहीं। संकट। कार्तिक ने खुलासा किया, मैं कोई निर्माता नहीं था। मुझे वह श्रेय इस आधार पर दिया गया कि फिल्म पैसे के संकट में जा रही थी और मैंने अपनी फीस छोड़ दी। मैंने कुछ पैसे भी दिए ताकि ढांचा बन सके और फिल्म अटके नहीं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक निर्माता के रूप में काम कर रहे थे और कहा, निर्माता इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे एक निर्माता के रूप में उस कारण से श्रेय दिया। आगे चलकर कार्तिक की फिल्म निर्माण की कोई योजना नहीं है और वह केवल अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।